कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं हूँ पावनी रावत एंड आज है 2nd of July और आज है योगिनी एकादशी। तो योगिनी एकादशी के बारे में मुझे कल रात को ही पता चला था जब मैं YouTube देख रही थी और वैसे ही मेरे पास एक शॉर्ट आया रिमाइंडर के नाम पे कि आज है, मतलब कल है आपकी योगिनी एकादशी। तो फिर मुझे लगा वाह, मुझे चलो पता चल गया कि आज योगिनी एकादशी है, तो इसलिए आज मैंने फास्ट रखा है एकादशी। एंड जो एकादशी के फास्ट होते हैं वो आप अलग अलग तरह से रख सकते हो। जैसे आप फ्रूट्स खा के रख सकते हो, सिर्फ फ्रूट्स उसमें, या फिर आप पानी पी के बस सिर्फ पानी उसमें रख सकते हो। बट मैंने चूज किया था पानी वाला। मैं हमेशा पानी वाला ही करती हूँ, खाने के बिना मैं रह लूंगी बट पानी के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आज जो एकादशी रखी है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी ही पिया। अभी टाइम हो रहा है 6:19 और आज का मौसम इतना अच्छा है ना कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो बहुत ही ठंडा मौसम हो चुका है। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, जिससे हमें व्रत करने में कोई सी भी परेशानियाँ हों। हमारे ठाकुर जी ने सब कुछ अच्छा कर रखा है। को बाहर का मौसम दिखाऊं तो आज कुछ इस प्रकार से मौसम है। मैं सोच रही थी कि कान्हा जी के लिए प्रसाद के उसमें खीर बनाती हूँ, बट फिर मुझे याद आया कि मुझे खीर बनानी नहीं आती, मतलब मैंने आज तक कभी बनाई नहीं है। वैसे तो पता है कि चावल में दूध डालना है और चीनी वीनी सब, काजू बादाम सब ऐसा करके, बट फिर वो चावल पकेंगे कैसे, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बनाना है खीर को। इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मम्मी और आएंगे तब उनसे पूछ के बनाऊंगी, क्योंकि अभी वो लोग घर पे नहीं है कोई भी। स्कूल से घर आने के बाद मैंने पहले तो अपनी वीडियो एडिटिंग करी थी, जो कि मैंने डाल दी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद मैं कथा बाल लीलाएं सुनने लग गई थी। सबसे पहले तो मैं करूँगी माला जाप और उसके बाद मैं अपना स्कूल का काम देखती हूँ कि जो भी मुझे काम करना है आगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फास्ट रखते हैं, ना केवल एकादशी का बट अलग अलग फास्ट रखते हैं, और उसमें वो फास्ट के नाम पे बहुत अलग अलग चीज़ें खा लेते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह उठ के चाय पी लेते हैं फास्ट के दिन। चाय एक जहर माना जाता है। सोचो आपको कैसा लगेगा कि आप सुबह उठते ही व्रत के दिन आपने चाय पी ली, जहर पी लिया, मतलब क्या फ़ायदा आपका व्रत रखने का भगवान के लिए, जो सुबह उठते साथ ही आपने खुद अपनी बॉडी के लिए जहर पी लिया। तो अवॉइड करें चाय पीना। फल आप लोग खा सकते हैं। मुझे लगता है कि सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। अगर किसी को सबको पता होता कि चाय एक अच्छी चीज़ नहीं है व्रत की व्रत में पीने के लिए, तो वो लोग क्यों पीते। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनको नहीं पता, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ कि व्रत के दिन चाय बिल्कुल बंद पीजिएगा, वो वैसे ही अच्छी नहीं है। बाकी दिन पी लेना, व्रत के दिन मत पीना चाय। मेरे घर में मेरी मम्मी खुद चाय के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। चाय लवर्स हैं हमारे घर पे बहुत सारे, तो इसीलिए व्रत के दिन आप अवॉइड कीजिएगा चाय को पीना। अगर इस माला जाप मैंने कर ली है, आप बारी है पूजा करने की, तो पहले मम्मी से पूछती हूँ कि खीर बनानी कैसी है या फिर कुछ प्लान में चेंज होता है तो वो पूछते हैं। तो गाइस मैंने अभी मम्मी से पूछा था कि हम खीर बनाएं, तो मम्मी कह रही है अब एकदम से कुछ नहीं बनता, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जैसे चावल भिगा के रखने पड़ते हैं और सारी चीज़ें, तो अब बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये खीर वाला प्लान स्किप कर रही हूँ। तो बस फिलहाल अपनी पूजा करते हैं हमें, और बस पढ़ाई शुरू। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे अकाउंट से, क्योंकि हमारा रिश्ता थोड़ा आजकल थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए दोबारा इसके साथ मैं वक्त बिता रही हूँ, उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि हमारा रिश्ता अच्छा से अच्छा हो जाए। तब शुरू करते हैं अकाउंट्स पढ़ना। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो मैंने सुनील पांडा सर की वीडियो देखी थी अकाउंट्स की। वीडियो कंप्लीट होने के बाद मेरा अकाउंट्स का ये जो काम था ये ख़त्म होता है, और ये हैं कुछ काम जो कि मैंने उस वीडियो से देख देख के करे हैं, जिसमें हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व के बारे में था। काम कंप्लीट करने के बाद मुझे अपने लैपटॉप में ना एक पॉडकास्ट दिखा था, तो मैंने वो शुरू कर दिया था देखना। हम स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाएं, हम थोड़ा सत्संग आदि करें। और आज एक काम और था, अकाउंट्स की फाइल में जो मैंने रेशियोज निकाले थे ना, उनमें से एक मैंने थोड़ा गलत कर दिया था उसमें। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ सोने, 11 बज चुके हैं अब, और अब मिलते हैं आप सीधा सुबह, अपने व्रत तोड़ेंगे सुबह, तो मिलते हैं फिर बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह ना मैं 5:28 पर उठ चुकी थी, फिर उठते ही साथ मैंने अपना चेक करा पारन का टाइम, तो वो 5:27 था, तो हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे ही उठे हैं। उसके बाद मैंने सेब कट करे, क्योंकि ना इतनी जल्दी जल्दी सुबह कुछ था नहीं, मम्मी बना रही थी बट अभी बना नहीं था, इसलिए मैंने कान्हा जी को सेब का ही भोग लगाया और उसके बाद अपना फास्ट खोला। मैं आपको सच बताऊँ तो ये सेब ना ऐसे लग रहा था कि अमृत समान है। मतलब यूजुअली जब हमने खाना खा रखा रहता है तब इतना कुछ नहीं लगता, बट फास्ट के बाद इतने अच्छे लग रहे थे ना ये। और मैं बाहर बैठे बैठे बारिश के साथ, क्योंकि रात को बहुत अच्छी बारिश हुई थी, बारिश के साथ ये बैठ बैठ के खा रही थी। अब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। अब कर रही हूँ मैं पूजा और टाइम बता दूँ आपको तो 6:30 हो चुके हैं, तो अभी मैं आई हूँ पूजा करने, तो पूजा करते हैं पहले और उसके बाद आज स्कूल भी जाएंगे। तो गाइस पूजा मैंने कर ली है और अब बारी है स्कूल के लिए तैयार होने की। टाइम 6:43 हो चुके हैं, तो जल्दी से पहले तैयार होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं स्कूल के लिए। और अभी बारिश थोड़ी बंद भी हो रखी है। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभी कर रही हूँ नाश्ता। तो मैं खा रही हूँ यहाँ पे आलू और रोटी, और मम्मी उधर पे बना रही है लड्डू, वो भी मूंग की दाल के, देखते हैं कैसे बनेंगे। लो दादी पर आप खाओ, खाने तो दो। ऐसे ही मैंने थाली से एक लड्डू उठाया और उसे खाया ना, वैसे ही वो टूट गया था बिल्कुल, मेरे पूरे हाथ में फैल चुका था। बट सही बताऊँ तो लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा था, मूंग की दाल का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बहुत पंजीरी वाला लड्डू होता है जैसे। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूं और अब मैं जा रही हूँ स्कूल, तो और लड्डू बहुत अच्छे हो रहे थे मूंग की दाल के, तो आप लोग कई बार जरूर ट्राई कर सकते हो लड्डू बनाना घर पे। आज की वीडियो फिर इतनी ही, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल। धन्यवाद। राधे राधे।